हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बजाज डीजल ऑटो है तो इसका कंप्लीट गियरबॉक्स को हम बाहर कैसे निकालें, आज यही सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम एक्सल को निकाल लेंगे। एक्सल निकालने के बाद चलिए फिर एक्सेल निकालने के बाद एयर फिल्टर असेंबल को हम पूरा बाहर कर लेंगे, उसमें से निकाल करके। उसे निकालने के बाद क्लच केबल को भी हम बाहर करेंगे। क्लच केबल निकाल दिया है, उसके बाद चलिए गियर वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गियर वायर को खोल करके हम जेडीबी में से बाहर कर लेंगे। तो चलिए, गियर वायर को हमने बाहर कर लिया है। गियर वायर बाहर करने के बाद चलिए दोस्तों, इस हाउसिंग का बोल्ट को हम सब खोलते हैं। तो गियर इसको उतारने का कारण है कि इसका जो है सो कि बोतली का पिनियन का मीनिंग घिस गया है, उसी को चेंज करने के लिए हम गियरबॉक्स को बाहर कर रहे हैं। इसका डिफरेंशियल को भी पूरा हम डिसमेंटल करेंगे। तो दोस्तों, यू रोड का इसमें बोल्ट होता है 219 नंबर का, उस बोल्ट को हम खोल लेंगे क्योंकि यह यू रोड है। यू रोड का बोल्ट 19 नंबर का है। तो इसे खोलने के बाद यू रोड को हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, एयर फिल्टर मेरा सब खुल चुका है, यू रोड भी मैं हम निकाल दिए हैं। इसे खोलने के बाद चलिए अब हाउसिंग का राउंड का बोल्ट खोलते हैं। 13 नंबर का बोल्ट होता है इसमें 6, तो उसे हम खोल लेंगे सारे बोल्ट को। तो सारे बोल्ट को ध्यान से खोल ले ताकि मेरा गियरबॉक्स इजी से बाहर निकल जाए। तो देखिए, गियरबॉक्स को सारे बोल्ट खोल करके बाहर निकाल लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रिलीज बैरिंग है ये हमारा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बाइबल पिनियन पूरा घिस चुका है, इसी को चेंज करने के लिए इस पूरे गियरबॉक्स कंप्लीट को हमको बाहर निकालना पड़ा इंजन से। इसी को हम चेंज करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंशियल पाला को पूरा खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंशियल पाला है, तो हम पूरा पिनियन को हम पूरा बाहर निकाल लिए हैं। तो ये मेन शाफ्ट का पिनियन है दोस्तों, पूरा डिफरेंशियल को यही पिनियन चलाता है। तो ये मेरा फाइनल डिफरेंशियल पिनियन को हम बाहर निकाल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा क्राउन पिनियन सेट है पूरा। तो इसको पूरा खोल करके हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसी के अंदर में बाइबल फिट है। तो सारे बोल्ट को हम खोल लेंगे, खोलने के बाद सारे पिनियन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, देखिए सारे पिनियन को खोल करके हमने सफाई कर लिया है। तो दोस्तों, इसको असेंबल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, आपसे मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। तो सारा दोस्तों इसका पार्ट्स है अंदर का डिफरेंशियल का, इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों फिटिंग के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।